हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायनेट लाइफस्टाइल। दोस्तों, चिरौंजी के छोटे छोटे दिखने वाले दाने सेहत के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होते हैं। चिरौंजी का इस्तेमाल खाने में कई तरीकों में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिरौंजी आपके स्किन को निखारने में भी सहायक हो सकती है, यानी कि हेल्पफुल हो सकती है। चेहरे पर चिरौंजी लगाने से डार्क सर्कल, दाग धब्बे और रेड स्किन जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट के साथ पोषक तत्वों से भरपूर चिरौंजी को फेस स्क्रब के तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, चिरौंजी और बादाम स्क्रब। दोस्तों, इस स्क्रब को बनाने के लिए एक चम्मच चिरौंजी को एक बादाम के साथ मोटा यानी कि दरदरा पीस लें। इस पाउडर में दूध मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और फिर इस पेस्ट को हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करते हुए स्क्रब कर लें। एक से दो मिनट स्क्रब करने के बाद सूखने तक इस पेस्ट को चेहरे पर लगा रहने दें और फिर ताजे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लें। इस स्क्रब के इस्तेमाल से चेहरे की नमी बरकरार रहेगी और डेड स्किन की समस्या समाप्त हो जाएगी। नंबर दो, चिरौंजी और बेसन स्क्रब। दोस्तों, इस फेस स्क्रब को बनाने के लिए दो चम्मच चिरौंजी को एक घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगोकर रख दें और फिर मिक्सी में दरदरा पीस लें। चिरौंजी के इस दरदरे पेस्ट में आधा चम्मच बेसन और आधा चम्मच दही मिलाकर इसका फेस स्क्रब तैयार कर लें। बेसन और चिरौंजी से बने इस स्क्रब से चेहरे को मसाज करते हुए साफ करें और फिर ताजे पानी से अपने फेस को वॉश कर लें। इस स्क्रब के इस्तेमाल से स्किन एक्सफोलिएट होगी और चेहरा नेचुरली ग्लो करेगा। नंबर तीन, चिरौंजी और शहद स्क्रब। दोस्तों, चिरौंजी को पीसकर इसका पाउडर तैयार कर लें। इस पाउडर का इस्तेमाल स्क्रब और फेस मास्क बनाने में किया जाता है। दो चम्मच चिरौंजी के पाउडर में शहद मिलाकर इसका स्क्रब तैयार कर लें और फिर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर इसे अच्छे से 5 मिनट तक स्क्रब करें। चिरौंजी और शहद स्क्रब से डेड स्किन सेल्स दूर होते हैं और चेहरे की नमी बरकरार रहती है, जिससे ड्राई स्किन की समस्या कम हो जाती है। नंबर चार, चिरौंजी और हल्दी स्क्रब। दोस्तों, इस फेस स्क्रब को बनाने के लिए एक चम्मच चिरौंजी पाउडर के साथ आधा चम्मच बेसन और दो चुटकी हल्दी मिलाएं। स्क्रब का पेस्ट तैयार करने के लिए दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस स्क्रब से पूरे चेहरे और गर्दन पर मसाज करते हुए इसे 5 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रहने दें। उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लें। नंबर पाँच, जैतून तेल और चिरौंजी स्क्रब। दोस्तों, जिन लोगों की स्किन ड्राई रहती है और डेड स्किन जमा हो जाने के कारण चेहरा बेजान नजर आने लगता है, उनके लिए चिरौंजी जैतून तेल से बना ये फेस स्क्रब लाभदायक साबित हो सकता है। इसे बनाने के लिए दो चम्मच चिरौंजी को रात भर के लिए भिगोकर रखें और फिर अगले दिन इसे पीसकर दरदरा पेस्ट तैयार कर लें। चिरौंजी के इस पेस्ट में आधा चम्मच जैतून का तेल मिलाकर स्क्रब तैयार करें और फिर इससे चेहरे को मसाज करते हुए साफ कर लें। इस स्क्रब के इस्तेमाल से स्किन की नमी बरकरार रहेगी और डेड स्किन निकल जाएगी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।